ओके सो यू आर मिस्टर संदीप जाखर जी जी मैडम संदीप जाखड़ जाखर जाखर नहीं जी जाखड़ जाखड़ थोड़ा ताकत से बोला जी जाखर जाखर नहीं जी आप एक काम करो जी ये तो मेरा कागजों में नाम है वैसे मेरे यार दोस्त फैमिली वगैरह मेरे को प्यार से कड़ू बुलाते हैं जी तो आप भी मेरे को कड़ू बुला सकते हो कालू कालू नहीं जी कालू कालू उड़ू कालू तो ये इंटरव्यू आप इंग्लिश में देना पसंद करेंगे या हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है किसी में भी ले लो जी मैडम मेरा तो दोनों में एक्सपर्टीज है मैं तो जी बचपन से इंग्लिश की तो आप क्या पूछोगे बचपन से जी वो टू द प्रिंसिपल एप्लीकेशन साइकिल चोरी होने पे थानेदार को एप्लीकेशन और जी वो काओ पैसे सब कुछ मैं इंग्लिश में लिखता आया हूँ जी ओके बाकी आप देख लो अगर आपको भी ठीक ठाक आती हो तो इंग्लिश में कर लेते नहीं तो हिंदी में भी मैं तो कंफर्टेबल हूँ जी अच्छा ओके सो व्हाट आर योर हॉबीज 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 तो जी बफेलोज की धार काटना वगैरह धार काटना मतलब धार काटना मीन्स लाइक बफेलो के जो थन होते हैं वी पुल देम एंड वी गेट मिल्क दैट प्रोसेस इज कॉल्ड धार काटना जी बफेलो के थन मतलब थन को इंग्लिश में जी इतनी अंग्रेजी ना आती जी और कोई हॉबीज फिर जी उनको जोड़ में बात कराने लेके जाना वगैरह अब आपको जोड़ नहीं पता होगा जी जोड़ इज लाइक बफेलोज का स्विमिंग पूल ओके ये बफेलोज को छोड़ो कोई और हॉबी है आपकी जैसे सिंगिंग या डांसिंग ऐसे कुछ नाच गाना तो जी थोड़ा कम हुआ जी देसी आदमी है जी खान पीन पे घना ध्यान रहे फिर काम भी घना करना पड़े खेता में तो जी नाच गाने का टाइम तो ना मिल पाता जी ओके अब आप अपने दो स्ट्रेंथ बताइए स्ट्रेंथ जी स्ट्रेंथ तो जी जब जिम जाता हूँ 50 इस डोले से मार लेता हूँ जी 50 किलो और 50 किलो इस डोले से मार लेता हूँ जी और बाकी जब चेस्ट की बारी आती इतनो लगा लो 100 किलो 120 किलो भी मार देता हूँ कई बार छाती में कति कट गिर रखे जी कहते हो तो बुरसट खोल के दिखाऊं नहीं नहीं अरे नहीं 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 हम फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे हम मेंटल की बात कर रहे नहीं जी मेंटल तो जी हमारे घर में कोई नहीं है जी मेंटल अच्छा आपके वीकनेसेस क्या क्या है वीकनेसेस जी वीकनेस तो जी लड़कियों से बात करने में थोड़ी शर्म सी आती है वैसे तो गर्लफ्रेंड भी है जी पर फोन पे ही बात करता हूँ जी मिलके तो बड़ी शर्म आती थी और गलती से अगर टच हो जाए ना जी पूरे शरीर में से तरावट सी आ जाती है जी मतलब बहुत शर्म आती है अच्छा आप ज्यादा सेंटी मत होइए आप ये बताइए आपको ये जॉब क्यों करनी है जी जॉब का तो मैडम क्या बताऊँ मैं आपको मैं अपनी करंट लाइफ से काफी परेशान हूँ जी मेरे पापा मेरे को सुबह 4 बजे जगा देते हैं कि जा गोभी काट का उनके बोरे भर फिर उनका टेम्पू भर और फिर उन्हें मंडी में लेकर जाओ मंडी में जी इतनी बूंदी बूंदी शक्ल के आदमी दिखे हैं काफी परेशान हो गए हैं क्या बताऊं जी आपको अब मैं अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहता हूं जी खाओ पियो खुजाओ चिल होनी चाहिए जी लाइफ मतलब और फिर जी अच्छी कंपनी में काम करेंगे तो आप जैसे जी खूबसूरत खूबसूरत लोगों से मिलने का मौका भी मिलेगा जी इवन बूंदी शक्ल के देख के होगा जी मेरा एक नूं बताओ अब आपसे मिलेंगे थोड़ा इंटरपर्सनल स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे जी और सैलरी आप कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं सैलरी की कोई दिक्कत नहीं है जी खाते पीते घर के हैं जी कई किले हैं और बाबू पुलिस में लाग रहा है जी बढ़िया जगह पोस्टिंग है कोई टेंशन की बात नहीं सैलरी की जो खड़ा जी वगैरह दे दियो और कहो तो कई बार तुमने भी रोटी रोटी खोले हमारे रेस्टोरेंट पे कोई टेंशन नहीं नहीं वी आर फाइन ओके मिस्टर कालू थैंक यू नाइस मीटिंग यू हम आपको थोड़े दिन में बता देंगे जी मैडम थोड़ा जल्दी बता देना जी ये थोड़ा वो लावणी लूणी का टाइम आ रहा है जी काफी काम है खेता में अगर आप नौकरी लगा दोगे तो मेरा भी थोड़ा काम बच जाएगा और जी हमारी भैंस भी ब्याह वाली है अगर टाइम पर नौकरी लागी ना तो थर तई खीस भी ले आऊंगा थैंक यू